मित्रों, चुनाव का बिगुल फुका चुका है और बेबी जी पुनः वो जहाँ की उम्मीदवार बनी। बेबी जी, मुझे याद है आपकी आंसू और उसको मेरे दिल को बेरता है। आपको स्मरण होगा कि जिस समय आपके आंखों से आंसू निकली थी, मैं वहाँ मौजूद था। आपके साथ जो गद्दारी हुई है, समय आया और भाजपा ने पुनः आपको प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए भाजपा नेतृत्व को मैं बार बार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपको पुनः उम्मीदवार बनाया और बोचहां की विधायक आप ही बनेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बोचहां में आज से नहीं, लगभग 27 वर्षों से बोचहां, सकरा, मीनापुर, तमाम हम लोग का कार्य क्षेत्र रहा है। कुरहनी के हम भी MLA रह चुके हैं दो बार और सभी लोगों से परिचित है। मैं वादा करता हूँ आपको कि तन मन धन से जो मदद हमसे चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ और जहाँ भी मुझे कॉल किया जाएगा, पार्टी का निर्देश होगा, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। और लोगों से आग्रह विनती करके, बोचहां के इतिहास को, बोचहां के बनावटी भौगोलिक बनावट को मैं जानता हूँ और आपको निश्चित रूप से बोचहां के मतदाता भाई विजय बना करके पुनः विधायक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम हमारे उपस्थित भाई हैं, बोचहां के भाई हैं, उन लोगों को भी मैं पुनः प्रणाम करता हूँ कि मित्रों, याद करो जब 2.5 करोड़ में टिकट बिका था और कहा इन्होंने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे लोग आ करके सत्ते हैं और आज अलग हटते हैं। ये बिजनेस करते हैं लोग, राजनीति नहीं करता, व्यवसाय है उन लोगों का। उन लोगों से आप अलग रहेंगे और हमारे जो पुराने एक नेता हैं वो भी कुछ बोले हैं अखबारों में, हमने देखा है। मैं बात को नहीं दोहराना चाहूँगा, आप उसे पढ़ेंगे निश्चित रूप से और देखेंगे। बेबी जी ने आपके बोचहां के लिए बहुत कुछ किया है, निर्दलीय विधायक भी आपने बनाने का काम किया है और इस बार तो हमारे भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि भारी से भारी मतों से बेबी जी आप विजयी होंगी और आपको ये बोचहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, पुनः आशीर्वाद देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।